अभिषेक कुमार ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 6 मैकेनिकल इंजीनियरिंग. वेल डन. आदर्श भरद्वाज इंजीनियरिंग साइंस 4 AIR. ये ऐसा बीम है और यहाँ पे सपोर्ट मतलब बोथ साइड ओवर हैंगिंग है और इसके ऊपर UDL लगा हुआ है. दिस डिस्टेंस इज L एंड दिस डिस्टेंस इज L1. दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L1. ठीक है ना. अब ये L1 का वैल्यू पूछा है. अब इसको अगर बहुत अच्छे से तुम एनालाइज करोगे ना तो एक चीज़ तुम्हें समझ में आएगा कि अगर ऐसा बीम होता है बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम अगर आपको है और उस पर UDL लग रहा है. सो दिस इज UDL और ये आपका बोथ साइड ओवर हैंगिंग है. दिस डिस्टेंस इज L. दिस डिस्टेंस इज L1. अगर आप इसका BMD बनाओगे ना तो ऐसे बनता है. सपोर्ट पे हॉगिंग मूवमेंट होगा और सेंटर पे पॉजिटिव मूवमेंट होगा सैगिंग. ठीक है ना. अब ये इसका वैल्यू कितना होगा ये डिपेंड करता है. ठीक है. अगर इस बीम को आप अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो ये पाओगे कि इसका दो एक्सट्रीम केस होता है. ठीक है ना. मान लो आपने यहां पर सपोर्ट ले रखा अगर आप सपोर्ट को इधर को भगाएंगे तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट बढ़ता है. अगर आप सपोर्ट को पास लाएंगे तो हॉगिंग मूवमेंट बढ़ता है. ये ऐसी सिचुएशन पूछ रहा है जहां पर दोनों बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हो, मैक्सिमम और मिनिमम वाले बराबर हो. ठीक है ना. मान लो ये W है तो ये आधा आधा रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. WL2 प्लस WL1. ठीक है ना. अब आप मूवमेंट लिख लो. इस पॉइंट पे मूवमेंट लिखो कितना आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे सिंपल है इस पोर्शन का हमें मूवमेंट लिखना है. तो ये टोटल लोड कितना होगा W × L1. कहाँ पे लगेगा L1/2 पे. तो ये हो गया आपका सपोर्ट पे मूवमेंट विच इज WL1 square. मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूँ. ठीक है ना. मिड सेक्शन पे क्या होगा. ठीक है ना. ये तो टोटल है. ये लेंथ कितना है. दिस इज L/2 plus L1. सो L/2 plus L1. ठीक है ना. तो टोटल लोड कितना होगा इस पोर्शन में. WL/2 plus L1 कहाँ पे लगेगा. इसके आधे पर. तो 1/2 of L/2 plus L1. ठीक है ना. ये लोड हो गया और ये डिस्टेंस हो गया. अब ये दोनों बराबर होने चाहिए. ठीक है ना. अब ध्यान से देखो ये इसका आ गया. इसका भी एक मूवमेंट होगा ना. अब देखो मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हॉगिंग मूवमेंट मेरा कितना होगा WL1 square by 2. ये क्या कौन सा मूवमेंट है भैया. ये मूवमेंट है ये वाला यहाँ पे. अब मिड पे क्या है. मिड पे एक तो ये रहेगा. तो ये तो ये आ गया कि 1/2 WL/2 plus L1 square. ये रहेगा. ठीक है ना. और ये मान लो अब यहाँ दो अपोजिट साइन में तो इसको माइनस ले लो.
और ये जो सपोर्ट की रिएक्शन की वजह से आ रहा है डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू एल वन, इसके लिए डिस्टेंस कितना है, इसके लिए डिस्टेंस है एल बाई टू, तो इन टू एल बाई टू, इन दोनों को बराबर कर लो, सॉल्व कर लो, एल वन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना खुद, तो ये वैल्यू आएगा एल बाई टू रूट टू, ठीक है ना। सो देखो आप पीछे जाके कि अपने आपके क्वेश्चन में क्या आंसर है, डी ऑप्शन। तो ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में डायग्राम मिसिंग था, तो दिस डायग्राम इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ऐसे ये जो बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम है ना, इस पर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट इसको बाद में लेंगे, सो थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। जो क्या कह रहा है, बी मे बी सी शोन इन द फिगर द डिस्टेंस टू बी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम फिक्स एंड ए, ए से कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। आपको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता क्या है, जहां पे बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करे। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जहां पर बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस साइन। जहां पे बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज कर जाए तो मतलब जीरो वैल्यू होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो ये सेक्शन है, यहां से चाहिए तो यहां से एक्स मान लो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट सेवन फाइव माइनस एक्स। अब देखो ये तुम्हारा हॉगिंग मूवमेंट देगा और ये सैगिंग मूवमेंट देगा। देखो ये एट प्लस कर लो ना इसको, एट इंटू पॉइंट सेवन फाइव माइनस एक्स, और ये माइनस देगा फाइव इंटू वन माइनस एक्स। यहाँ से x को सॉल्व कर लो, सो 8 इंटू पॉइंट सेवन फाइव माइनस एट एक्स माइनस फाइव प्लस फाइव एक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका x का वैल्यू निकालोगे तो 1/3 मीटर आएगा। अब इसको आप एनालाइज भी कर सकते हो, देखो ये हॉगिंग मूवमेंट दे रहा है, ये हॉगिंग मूवमेंट दे रहा है ना, और ये सैगिंग मूवमेंट दे रहा है, लेकिन C से लेके इस पॉइंट तक क्या होगा, ये वाला लोड जो है ये डोमिनेट करेगा बेंडिंग मूवमेंट में, तो हॉगिंग होगा। तो इस पोर्शन का बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव मतलब हॉगिंग होगा, और इस पोर्शन का बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव मतलब सैगिंग होगा, और यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट के बाद ये जो 8 किलो न्यूटन वाला फोर्स है, इसका मूवमेंट डोमिनेट करने लगेगा, है ना, 0.75 ये एक्स शिफ्ट करते हैं, तो राइट आंसर विल बी ए। ध्यान से देखो और आंसर करने की कोशिश करो। बीम शोन इन द फिगर हैज अ डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट वैल्यू, डिजाइन मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पूछा है, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके लिए रिएक्शन निकालना पड़ेगा, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से देखना पड़ेगा कि मेरा डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट क्या है। डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट का मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या है। ओके, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आर बी और आर सी, ठीक, मूवमेंट बैलेंस कर लो बी पॉइंट के अबाउट, क्या आएगा, देखो ये एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, तो 4 इंटू पॉइंट फाइव प्लस ले लो, ये भी आर सी भी एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, तो आर सी इंटू फोर, आर सी इंटू फोर, और बाकी दो क्लॉक वाइज हैं, तो 4 और 2 6, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू जीरो, सो 2 माइनस 6 प्लस आर सी इंटू फोर, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो आर सी इक्वल्स टू यहां से 1 किलो न्यूटन आ जाएगा।
ये आर सी वन आया तो ये फोर है, तो ये थ्री आ जाएगा। ठीक है ना, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। देखो पहले सबसे क्या है, इसका कैलकुलेट करो, यहाँ यहाँ तक आएगा तो ये तो हॉगिंग मोमेंट देगा ना, तो यहाँ तक ऐसे आ जाएगा 0.52 किलो न्यूटन ना, दिस इज -2 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो यहाँ यहाँ एक क्लॉकवाइज कपल भी आ रहा है, तो इसकी वजह से सडन राइज हो जाएगा ना, +4, तो ये +2 हो जाएगा। फिर ये यहाँ तक तुम देखोगे तो सी पे मूवमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है ना। और मूवमेंट कैसे जीरो आएगा, देखो ये क्लॉक वाइज है, मतलब यहाँ भी आके एक सडन जंप बीएमडी में आएगा, तो भैया यहाँ पे जीरो होना है। अब देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, ये इसके राइट साइड में कोई लोड है नहीं, तो यहाँ मूवमेंट जीरो होगा, मूवमेंट जीरो होगा और 2 किलो न्यूटन मीटर का जंप भी होगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पे -2 किलो न्यूटन आएगा, इसको मत काउंट करना, इसको काउंट करोगे तो जीरो आएगा, ऐसे आएगा। आप कुछ नहीं, आप यहाँ पे रखो और ये सारे सम कर लो, जीरो आ जाएगा, इसको छोड़ दो तो -2 किलो न्यूटन आएगा, तो ये 2 किलो न्यूटन माइनस में, -2 किलो न्यूटन +2 किलो न्यूटन प्लस -2 किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्या है, 2 ही रहेगा। तो डिजाइन किसके बेसिस पे होगा, 2 किलो न्यूटन मीटर के बेसिस पे। देखो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, अगर मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे तो +2 ही है, ठीक है ना। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंडिंग मूवमेंट आपको निकालना है एट पॉइंट ए बी सी, है ना, और ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर जैसा सिचुएशन है और ये अनसपोर्टेड हिंज है, यहाँ पे अनसपोर्टेड हिंज, जिसको आप इंटरनल हिंज भी बोल सकते हो, इट्स एन काइंड ऑफ इंटरनल हिंज। है ना, अब इंटरनल हिंज पे मूवमेंट क्या होता है, जीरो। तो आप सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन है आ रहे, तो इसको निकालना पड़ेगा, ओके, आर ए 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और अनसपोर्टेड हिंज, आर ए 4 किलो न्यूटन ये हिंज है ना, यहां से इसको काट दिया, ठीक है। हिंज पे मूवमेंट जीरो होगा बट यहाँ पे शेयर फोर्स होता है, राइट। लेट्स से कि ये पॉइंट जो जिसको नाम इन लोगों ने रखा डी नाम दे दो, है ना, तो वी डी इंटरनल है, यहाँ मूवमेंट जीरो है। अब देखो ये सारा, अगर आप इतनी बीम को एनालाइज करोगे तो ये 2.5 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2.5 मीटर। अब देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा लग रहा है और सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो अगर आप कैलकुलेट करके भी देख लो बट सिमेट्रिकल लोडिंग से रिएक्शन बराबर आ जाएगा, तो आर ए आ जाएगा आपका 4 किलो न्यूटन और वी डी आ जाएगा आपका 4 किलो न्यूटन। इसके राइट साइड का भी आप डायग्राम बना सकते हो, इसका ये अपवर्ड आया है तो डाउनवर्ड साइड में राइट, ये अपवर्ड है तो राइट साइड में डाउनवर्ड होगा 4 किलो न्यूटन, अगेन दिस इज 2.5 मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देख लो, आप सब चीजें निकल जाएंगी। बेंडिंग मूवमेंट एट ए, ए पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, ये ए पॉइंट है, ए बी एंड दिस इज योर सी, ये डी पॉइंट है। ए पे बेंडिंग मूवमेंट सिर्फ इसकी वजह से होगा, तो बेंडिंग मूवमेंट ए पे क्या होगा,
ये क्लॉक वाइज जा रहा है 4 × 2.5, तो 4 × 2.5 कितना आएगा 10 kN/m प्लस। अच्छा बी पे क्या आएगा, बी पे भी निकाल सकते हो, बी पे ये आर ए की वजह से आएगा, आर ए मतलब 4 × 5, ये देखो ये डिस्टेंस 5 है, 2.5 + 2.5 तो 5 हो गया। अब ये माइनस में जाएगा, ये क्लॉक वाइज है ना इस सेक्शन के रिस्पेक्ट, तो -4 × 2.5 2.5, तो अगेन ये क्या आ जाएगा 20 − 10, तो 10 kN/m आ जाएगा। अच्छा तो ये यहाँ पे तो आ गया। अब सी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, तो इसके लिए आपको फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा, इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हिंज पे मूवमेंट आएगा सी, मान लो लेट्स से जैसे एम सी और ये 4 kN, तो यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड है, तो यहाँ अपवर्ड रिएक्शन होगा ना 4 kN, ठीक है राइट। सो फोर्स बैलेंस हो गया। मूवमेंट बैलेंस करने के लिए आप ध्यान से समझना, अगर सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बैलेंस करोगे तो ये देखोगे ये इसका मूवमेंट किधर आ रहा है, ये एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है ना, तो ये जो सी वाला मूवमेंट है ना, सी सी पे जो मूवमेंट लग रहा है दैट विल बी एंटी क्लॉक वाइज, है ना। और ये कितना होगा, देखो ये मूवमेंट कितना है 10 है ना, और 10 है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज होगा 10 kN। लेकिन जब बेंडिंग मूवमेंट निकालोगे ना सी पॉइंट पे, है ना, तो ये बेंडिंग मूवमेंट क्या आएगा, ये आएगा आपका क्लॉकवाइज बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है ना। सी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट देखो कितना आया, ए और बी पे तो बराबर आ गया 10 kN 10 kN, देन सी पे भी पूछा है ना। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करके देख लो, इस फिक्स हिंड पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट रहेगा, है ना, इस फिक्स एंड पे मूवमेंट तो रहेगा और नेगेटिव मूवमेंट रहेगा, ठीक है ना। आप मूवमेंट निकाल के देख लो, इस पॉइंट पे मूवमेंट लोगे तो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा ना, और ये एंटी क्लॉक वाइज है देखो, ये है ना 4 kN एंटी क्लॉक, तो माइनस आएगा। सी पॉइंट पे भी जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा 10 kN ही रहेगा, लेकिन माइनस में रहेगा, तो बी ऑप्शन इज राइट, ए और बी पे 10 kN है और आखिरी में माइनस 10 है। अच्छा एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। देखो क्या दिया है, इफ द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज पैराबोलिक, शियर फोर्स जो डायग्राम है वो पैराबोलिक है, देन अब ध्यान से देखना इस सीक्वेंस में चलता है लोड इंटेंसिटी, और लोड इंटेंसिटी से 1 डिग्री ज्यादा SFD, उससे 1 डिग्री ज्यादा BMD, तो जो कर्व का ऑर्डर है इधर बढ़ता है। अब ये है 2 डिग्री, है ना, तो BMD होगा 3 डिग्री और लोड इंटेंसिटी रहा होगा 1 डिग्री, ठीक है ना। 1 डिग्री मतलब ऐसा लोड होता है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, ऐसे इसको 1 डिग्री लीनियरली वेयरिंग लोड को बोलते हैं, दैट इज 1 डिग्री। अब ढूंढ लो इसमें से क्या करा, इफ द SFD इज पैराबोलिक, तो आपका जो लोड ऑन द बीम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, यूनिफॉर्मली वेयरिंग है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द मिड स्पैन गलत, एक्सटर्नल मूवमेंट एक्टिंग एट द मिड स्पैन गलत, यूनिफॉर्मली UDL भी नहीं है, लीनियरली वेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड D, सो राइट आंसर इज D। द बेंडिंग मूवमेंट फॉर विच द बीम शोन अबव इज टू बी डिजाइंड, ये कह रहा है किस बेंडिंग मूवमेंट के लिए इस बीम को डिजाइन किया जाए, ठीक है ना। देखो ये डबल ओवरहैंग बीम जैसा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखो इनकी रिएक्शंस क्या होगी, 100 kN और ये स्पैन कितना है 8 + 4 = 12, तो टोटल लोड कितना हो गया 1200 kN का, 1200 kN में आधा आधा हो गया,
6 किलो न्यूटन, 600 किलो न्यूटन, 600 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब दो जगह मैक्सिमम लोड आएगा, एक तो यहां पे सपोर्ट पे आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा देखो, 100 और ये 200 है ना, इतने में कितना है 200 और ये यहां पे लगेगा 200 और ये डिस्टेंस है 1, ठीक है ना। तो यहां पे मूवमेंट कितना आएगा, नेगेटिव। ए पे मूवमेंट जो आएगा ठीक है, ओके। ये मिड स्पैन है, यहां पे मैक्सिमम, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव होगा। लेकिन जब डिजाइन के लिए हम क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम, तो अब चेक करना है कौन सा है। अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव जाएगा तो यहां से लेके ये 4 है, 4 मीटर है ना। तो टोटल कितना हो गया, 6 मीटर। तो लोड कितना हो गया, 600 किलो न्यूटन का, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर हो गया, ये यहाँ से लेके 6 मीटर हो गया ना, मिड में लगेगा 3 मीटर पे, है ना, 3 मीटर, और ये भी नेगेटिव। प्लस ये कहाँ पे लगेगा, 600, और ये देखो क्लॉक वाइज जा रहा है, और ये कितनी दूर है मिड स्पैन पे, 4, है ना। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 600 × 4, 600 × 4, ये टोटल करोगे तो प्लस 600 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ सेंटर लाइन पे मैं कितना है, 600 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे कितना है, 200, इन्हीं में दोनों में से एक पीक आता है, ये पॉजिटिव का पीक है, ये नेगेटिव का पीक है ना। तो हम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के हिसाब से डिजाइन करेंगे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या है, 600 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान से क्वेश्चन देखो एंड देन आंसर करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन में टोटल लोड दिया हुआ है 120 किलोमीटर, मतलब इसका पूरे का जो है ना, इसका टोटल लोड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल लोड लगेगा कहीं पे, यहाँ पे लगेगा 120 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ से 1/3 पे लगेगा 1 मीटर, 1/3 ऑफ 3 क्या होगा, 1 मीटर तो होगा। अब शेयर फोर्स क्या होगा, इसका अपोजिट, यहाँ पे रिएक्शन अपोजिट आएगा ना, सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में 120, वही बैलेंस, फोर्स बैलेंस के लिए ना। तो भैया 120 हो गया, 200 का काम खत्म हो गया। अच्छा मूवमेंट कितना जनरेट करेगा ये, मूवमेंट 1 मीटर पे लग रहा है ना, तो मूवमेंट भी इसका क्या होगा, एंटी क्लॉक हॉगिंग मूवमेंट जनरेट करेगा 120 × 1, और शीयर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, शीयर फोर्स सेम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अप्लाइड टू द बीम, कह रहा किस कंडीशन में शीयर फोर्स यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। कह रहा टू इक्वली स्पेस कॉन्सेंट्रेटेड लोड, दो इक्वली स्पेस कॉन्सेंट्रेटेड लोड आप अप्लाई करो, ये पी है, है ना।
तो अगर ये सिमेट्रिकल है लोडिंग तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिएक्शन वही पीपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड देन इसका आप जब एसएफडी बनाते हो ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल एंड देन इस साइड पे रेक्टेंगल, तो सेम होने का तो मतलब नहीं है। कपल एट द मिड स्पैन, अब एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेने वाली है, यूडीएल, यूडीएल अगर लगाओगे, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड बीम पे आप यूडीएल लगा देते हो तो भैया हमें दुनिया जानती है कि एसएफडी इसका रेक्टेंगल ऐसा आता है वेयरिंग, इसका एसएफडी आपने बनाया होगा और इसका एसएफडी ऐसा कुछ आता है। तो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट कहाँ पे होता है? देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा समझ लेना। अगर मान लो आप एक बीम पकड़ो, ठीक है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस पे कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगाओ, जैसे ए बी। अब ये कहीं भी है, मान लो यहाँ ए डिस्टेंस में कहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज लेट्स से एल, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन निकालोगे तो अपोजिट कपल बनना चाहिए रिएक्शन के वजह से। देखो तो ये रिएक्शन क्या जाता है, एम नॉट बाई एल, ठीक है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखो इसका एसएफडी आप बनाओ, इसका जब आप एसएफडी बनाओगे ना, अच्छा एक चीज मैं पहले यहीं पे पूछ लेना चाहता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट का लोकेशन चेंज करने से, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट का लोकेशन चेंज करने से, इसका लोकेशन चेंज करने से, ये जो एम लगा रहे हो इसका लोकेशन चेंज करने से क्या रिएक्शन में फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो इसको, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिएक्शन विल रिमेन सेम, ठीक है ना। अच्छा अब इसका एसएफडी बनाओ, तो देखो इसका एसएफडी ऐसे बनेगा, ये देखो ये यहाँ से लोगे तो डाउनवर्ड है ना, और फिर ये कॉन्स्टेंट रहेगा ऐसे, और फिर यहाँ से आपको जाएगा, तो शियर फोर्स रहेगा, ठीक है ना, यही है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट मिड विड स्पैन में नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट कहीं भी लगेगा बीम में, एसएफडी आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है अ कपल एनी वेयर इन द स्पैन, कपल एट द मिड स्पैन नहीं होगा, कपल एनी वेयर इन द स्पैन, कहीं पर भी हो कपल तो इट विल रिजल्ट इन टू द यूनिफॉर्म शेयर फोर्स। ओके, वर्टिकल रिएक्शन एट ही पूछा, थोड़ा सोचो, वर्टिकल रिएक्शन एट ही पूछा है इसमें, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, दो मैंने पहले से तुम्हें एक, इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, देखो कैसे, अगर एक लोड किसी बीम पे लग रहा है तो उसका रिएक्शन निकालो, मतलब जैसे ये पी लोड लग रहा है ना, और ये डिस्टेंस किस सपोर्ट से है, ए, और यहाँ से है बी, अब अगर रिएक्शन निकालना हो तो हमें पता है ना, जैसे ये ए है तो मैंने कराया होगा कि रिएक्शन निकालना, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जल्दी क्वेश्चन करना है, तो देखो आर ए निकालना है ना, पी इंटू अपोजिट सपोर्ट से डिस्टेंस बी बाई एल, और ये क्या होगा, आर भी निकालना अपोजिट, तो इस लोड से अपोजिट सपोर्ट का डिस्टेंस है ना, टोटल लोड ए बाई एल आ गया ना। अच्छा ये भी अभी हम लोगों ने देखा, कहीं भी कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मान लो एम कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट तुमने लगाया तो रिएक्शन क्या होगा, अपोजिट कपल बनाएगा एम नॉट बाई एल का, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लो, इन दोनों अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट तुमको याद है तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। देखो ये 50 किलोन्यूटन है और ये 50 किलोन्यूटन एकदम मिड में लगा हुआ है, देखो यहाँ 4 मीटर
यहाँ से 4 मीटर एकदम मिड में है ना, तो ये तो वैसे भी आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसकी वजह से रिएक्शन ये डाउनवर्ड है तो रिएक्शन किधर आएगा, अपवर्ड। तो 25 किलो न्यूटन भैया ये आ गया अपवर्ड, और 25 किलो न्यूटन ये आ गया अपवर्ड। ठीक, अब इसकी वजह से देखो ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो रिएक्शन का कपल एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए, मतलब ऐसे। और ये क्या आएगा, एम नॉट बाई एल, ये 120 है बाई 8, ठीक है ना। तो 120 बाई 8 क्या आएगा है ना, तो 120 बाई 8 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 15 आएगा है ना, ये 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। तो नेट नेट क्या होगा, ये मुझे रिएक्शन निकालना है, ए पे क्या होगा, 25 किलो न्यूटन अपवर्ड जाएगा उसकी वजह से, और इसकी वजह से 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड आएगा, सो टोटल रिएक्शन विल बी 10 किलो न्यूटन अपवर्ड्स। देखो 10 किलो न्यूटन मीटर नहीं है, ये यहाँ पे गड़बड़ी है, 10 किलो न्यूटन, इट्स नॉट 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो कई कई छोटी छोटी चीज़ें आप याद रख के एग्जाम में अपना कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल एम इज अप्लाइड एट सी ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द बीम। ये कपल कॉन्सेंट्रेटेड कपल कहीं भी बनाओगे तो शेयर फोर्स क्या बनेगा, पहली बात तो रिएक्शन क्या आएगा, रिएक्शन ऐसे आएगा कि अपोजिट कपल बनाएगी, ये एंटी क्लॉक वाइज बना रहा ना, रिएक्शन क्लॉक वाइज कपल बनाएंगे एंड दैट विल बी एम बाई थ्री। ठीक है ना, अब मैक्सिमम ले लो या हर पॉइंट पे सेम होगा तो कितना होगा, एम बाई थ्री। इसके राइट साइड में कोई फोर्स है नहीं, इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, बी सी में, इन द पोर्शन बी सी ऑफ द बीम देर इज नो शियर फोर्स, बीम का जो बी सी पोर्शन था उसमें कोई शियर फोर्स नहीं है, है ही नहीं शियर फोर्स, ठीक है ना। और जब बीम के बी सी पोर्शन में कोई शियर फोर्स है ही नहीं, देखो डायग्राम कौन सा सब में दिया है, सी में देखो यहाँ 3 किलो न्यूटन दिखा रखा है ये गलत है, यहाँ भी 3 किलो न्यूटन दिखा रखा है गलत है, यहाँ भी 1 किलो न्यूटन दिखा रखा है गलत है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये आपको बताएगा कि देखो यहाँ बी सी पोर्शन में शियर फोर्स 0 है, ठीक है। तो ध्यान रहे, एक लाइन का क्वेश्चन था ना, अगर आप ध्यान से सुनो और समझो तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, ए। ध्यान से पहले समझो एंड देन आई विल आंसर। क्या पूछा है, अ कैंटिलीवर ए बी इज लोडेड एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, व्हाट इज द शेप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर पोर्शन ए सी, ए सी पोर्शन के लिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा होगा। तो ए सी पोर्शन में देर इज नो लोड सिचुएशन, क्या है, ए सी पोर्शन में देर इज नो लोड सिचुएशन, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं होता है तो मैंने ऑर्डर बताया था ऐसे चलता है, लोड इंटेंसिटी उससे एक हायर डिग्री एस एफ डी उससे एक हायर डिग्री बी एम डी ऐसे जाता है, ठीक है ना। नो लोड है तो एस एफ डी कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर, और बी एम डी कैसा रहेगा, लीनियर, ठीक है ना। ओके, देखो पैराबोलिक बोल रहा है, गलत है, पैराबोलिक बी सी पोर्शन के लिए होगा, ए सी के लिए पूछा है। लीनियरली वेरिंग विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट एट सी,
नहीं, ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर में मैक्सिमम हमेशा फिक्स एंड पे आता है बेंडिंग मोमेंट, तो ये गलत है। लीनियरली विद कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट वैल्यू फ्रॉम सी टू ए, कह रहा सी टू ए कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट ना, लीनियरली वेरिंग विद मैक्सिमम वैल्यू एट ए, ये सही है। तो राइट आंसर इज डी, लीनियरली वेरी करेगा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज एट ए, ठीक है ना, क्योंकि कैंटिलीवर बीम में ना जो मैक्सिमा आता है दैट इज एट ए, कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमा इज एट ए, ठीक है ना। चलो, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट ए द शियर फोर्स इज जीरो, कितना डिस्टेंस ए से शियर फोर्स जीरो होगा। देखो सबसे पहले तो इसमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा, तो सपोर्ट रिएक्शन निकालो, इसमें भी आप जो मैंने एक ट्रिक बताया था वो यू लगा सकते हो इसमें, बिकॉज इट्स एन काइंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूवीएल, थोड़ा सा एक बार ट्राई करो। ओके अगर आपने इसको किया होगा तो देखो एक चीज समझ में आएगा, इसका रिजल्टेंट लोड डब्ल्यू एल बाई टू होगा, और ये यहां से कितने डिस्टेंस में लगेगा, एल बाई थ्री, डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है ना। अब देखो रिएक्शन ए पे चाहिए ना, तो देखो टोटल लोड क्या है W, वो याद करो, ये लोड टोटल लोड कितना है डब्ल्यू एल बाई टू, अपोज इस लोड से अपोजिट सपोर्ट का डिस्टेंस L बाई थ्री, ठीक है ना, डिवाइड बाई L, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स आएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट कितना आएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ठीक है ना। अब शेयर फोर जीरो करना है, एक सेक्शन ले लो, वही वाला ना, मतलब हमने क्या किया कि हमारे पास वायरिंग लोड था, ठीक है ना, दिस इज अ वायरिंग लोड, ओके, तो इस वायरिंग लोड को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे सेम आएगा ना जो पहले आ रहा था, डब्ल्यू एल बाई सिक्स आया इसका, ठीक है। तो अगर ये डब्ल्यू एल बाई सिक्स आया तो भैया अब यहाँ एक्स सेक्शन ले लो, है ना, तो अब यहाँ पे ये लोड क्या होगा, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप सिमिलर ट्रायंगल लगाओ, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसके इसके बीच में, इसके ये ट्रायंगल एंड देन देयर इज अ दिस ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा, ये डब्ल्यू एक्स वाई एल आता है, ठीक है ना, तो दिस बिकम्स डब्ल्यू एक्स बाई एल, ठीक। अब शियर फोर्स क्या आएगा, इस सेक्शन के लेफ्ट में सारा फोर्स को सम करो, तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स, और इसका एरिया क्या आएगा, माइनस वन बाई टू डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू एक्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एल बाई रूट थ्री आएगा ना, ठीक है ना। सो इट्स एन गुड क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी हैज अ स्पैन एल एज शोन इन द फिगर, पॉइंट सी इज द मिड स्पैन ऑफ द बीम, इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इन द पोर्शन ए सी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस एफ डी एंड बी एम डी ऑफ द बीम, ओके। सिंपल से फीचर से चालू करते हैं, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया है। देखो सबसे पहले एक चीज समझो,
बी सी देर इज नो लोड, नो लोड है तो एस एफ डी कैसा होगा रेक्टेंगल इस पोर्शन के लिए, और बी एम डी कैसा होगा इट विल बी लाइक 1 डिग्री ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम और ट्रायंगल, ठीक, मोर मोर प्रॉब्ली इट विल बी अ ट्रायंगल ओनली, ठीक है। अच्छा तो बी सी रेक्टेंगल, देखो यहाँ है सी, सी में देख लो लीनियरली वाई करे, ये ऐसा डायग्राम बनाया गया है कि पूरे पे यूडीएल है, अगर पूरे बीम पे यूडीएल होता ना तो ऐसा एस एफ डी बनता, तो दिस पोर्शन दिस पार्ट इज रॉन्ग, ये पार्ट तो गलत हो गया ना। ओके अच्छा, सी के बाद कौन सा, ये भी डी भी गलत है, डी क्यों गलत है भैया, देखो सी से ही कांस्टेंट होना चाहिए, जो ये कांस्टेंट आया है ना इट शुड बी राइट फ्रॉम द सी। अच्छा ये वाले सही है, ये वाला से ठीक है, यहाँ दोनों का जो एस एफ डी है वो सही है, हाँ कांस्टेंट है, बट एक इसमें प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे एस एफ डी में सडन फॉल आया ना, एस एफ डी एकदम नीचे चला गया, और एस एफ डी एकदम नीचे कब जाएगा जब पॉइंट लोड लगा हो, ये पर तो पता है ना, एस एफ डी एकदम नीचे कब जाता है जब आपका पॉइंट लोड लगा हो, और यहाँ पे पॉइंट लोड लगा नहीं है तो ये भी गलत हो गया, हो गया ना। यही ऑप्शन बचा, तो ये सही है, देखो इसमें 1 डिग्री है, यहाँ कांस्टेंट है, इधर ये जिस पोर्शन में यूडीएल है वहां पे पैराबोला होगा, एंड देन जहां पे लोड नहीं लग रहा है वहां पे स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है ना, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पैन एल कैरीज टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू ईच एट पॉइंट एल बाई थ्री फ्रॉम ए एंड बी। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पर लोड डब्ल्यू है, ये एल बाई थ्री है, ये एल बाई थ्री है, ये एल बाई थ्री है, तो रिएक्शन व्हाट इज द शेयर फोर्स इन द मिडल। देखो ये सिमेट्रिकल लोडिंग है, इसका पहले हम लोग जिक्र भी कर चुके हैं, तो भैया ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो सिमेट्रिकल लोडिंग है तो ये डब्ल्यू है या डब्ल्यू है, टू डब्ल्यू है ना तो टू डब्ल्यू ही रिएक्शन आ जाएगा। अब इसका एस एफ डी बनाओगे ना तो क्या आएगा, देखो ऐसा आएगा, यहाँ से सडन राइज होगा डब्ल्यू का, यहाँ तक फिर कॉन्स्टेंट रहेगा नो लोड है, फिर नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ जीरो रहेगा, फिर नीचे चला जाएगा डब्ल्यू, फिर कांस्टेंट, तो ये माइनस डब्ल्यू हो गया या प्लस डब्ल्यू हो गया, और मिड पोजिशन में क्या रहेगा शेयर फोर्स जीरो, सो राइट आंसर इज डी, मिड पोजिशन में शेयर फोर्स विल बी जीरो। ध्यान से करो इसको भी, बहुत इजीली आप कर सकते हो, यू कैन वेरी इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बहुत आसानी से। ओके अब तक तुमने सोच लिया होगा, एक पॉइंट लोड लग रहा है और एक कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है, और तुम्हें एसी पोर्शन में शेयर फोर्स बताना है। ठीक है, देखो सिंपल सा तरीका है, पहले इस लोड के लिए जाओ, इसकी वजह से पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा ना, आर ए और आर बी। ठीक, अब ध्यान से देखना, आर ए क्या आएगा, इस पॉइंट लोड की वजह से कितना लोड आएगा ए पे निकालते हैं एसी पोर्शन में ए, तो इस लोड से अपोजिट का डिस्टेंस कितना, देखो 4 × 2 / 8 ये ना, तो रिएक्शन कितना आएगा 1 किलो न्यूटन, और ये आएगा 1 किलो न्यूटन अपवर्ड। ठीक,
तो इस पॉइंट लोड की वजह से आ गया 1 kN अपवर्ड। ठीक, अब आ जाओ इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या आएगा m बाई एल, तो 8 kN m बाई एल, 8/8 हो गया ना टोटल लेंथ, क्या हो गई, दिस इज नथिंग बट m बाई एल 1 kN। लेकिन ध्यान से देखना ये क्लॉक वाइज कपल है, तो रिएक्शन की वजह से एंटी क्लॉक वाइज कपल बनना चाहिए, तो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, तो ये 1 kN डाउनवर्ड। अब बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो पॉइंट लोड की वजह से 1 kN डाउन अपवर्ड आएगा रिएक्शन, और इस मूवमेंट की वजह से डाउनवर्ड आएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो नेट रिएक्शन ये पे क्या होगा भैया, +1 -1 दैट इज जीरो। ठीक है ना, सो नेट रिएक्शन एट ए इज नथिंग बट जीरो। अब रिएक्शन ये हो गया, तो अब इस पोर्शन में अगर तुम सेक्शन लेके और फोर्स को सम करोगे तो क्या इधर कोई फोर्स है, नहीं, पूरे एसी पोर्शन में शेयर फोर्स जीरो होगा, पूरे एसी पोर्शन में शेयर फोर्स जीरो होगा। ठीक है ना, द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ द बीम एस इज शोन बिलो। ठीक है ना, एसएफडी दिया है आपको, लोडिंग ढूंढना। देखो सबसे पहले इसको कुछ चीजें ऑब्जर्व करो, ए बी पोर्शन में कोई लोड नहीं होना चाहिए, ए बी पोर्शन में कोई लोड नहीं होना चाहिए, किसी भी बीम में नहीं है। ठीक है, सी डी पोर्शन में भी कोई लोड नहीं होना चाहिए, सी डी पोर्शन यहाँ है, देखो सी डी पोर्शन में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, सम प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए, चलो इसको करो। इस क्वेश्चन में ना क्या है, इसमें कुछ मिसिंग है, इसको मैंने चेक किया था, मुझे याद आ गया, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, इसमें चेक करोगे ना कोई नहीं मैच कर रहा, और इसमें हाँ कोई नहीं मैच करेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इधर द डायग्राम जो बनाया है वो गलत है, या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। Which of the following statements are correct? Question number, next question. Which of the following statements are correct? All load carrying member transmit load through basic mode of tension, compression, torsion and shear only. नहीं, tension, compression सही है, torsion भी सही है, shear भी सही है, but bending भी तो होता है, तो ये only जो लग गया ये गलत है। Beam carry transverse load, बिल्कुल सही, beam transverse load के लिए बनी होती है। कंबाइंड लोडिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग, ये क्या हुआ, नेचर ऑफ द इंटरनल फोर्स डिसाइड द एस्पेक्ट ऑफ कंबाइंड लोडिंग, बिल्कुल इंटरनल फोर्स कैसे जनरेट कर रहे हैं वो बताएगा कि कंबाइंड लोडिंग है या नहीं है। सो राइट आंसर इज 2 and 4। भैया इंटरनल लोड से ही तो पता करते हो कि इंटरनल लोड कैसा है, वो तो सारी कहानी बता देगा ना, आदमी को छेड़ोगे तो जब वो दिल की बातें बताएगा तो सब बता देगा ना, वैसे मटीरियल होता है, जब उसको काटोगे उसका दुख दर्द सुनोगे सब रो रो के बताएगा किसने किसने मुझे तंग किया है, बेंडिंग ने किया है, एक्सियल लोड ने किया है, टॉर्शन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ कंटिन्यूअस बीम सपोर्टेड एट ए सी, बीम को सपोर्ट किया गया ए सी ई, दीज आर द सपोर्ट्स। ओके, इसके लिए एसएफडी दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट पॉइंट बी, बिल्कुल सही। देखो ये सडन फॉल आया है ना, एकदम नीचे गया है ये, इसका मतलब पॉइंट लोड लगा होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट पॉइंट डी, ना देखो एसएफडी में सडन अप एंड डाउन नहीं हुआ तो ये गलत है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग ऑन पोर्शन सी ई, इस पोर्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था, देखो इसलिए 1 degree का एसएफडी है, नीचे जा रहा है, ये भी सही है, 1 and 3 इज करेक्ट, तो राइट आंसर इज डी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लोड शुड बी अप्लाइड ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सो दैट शेयर फोर्स इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द स्पैन। एक ही बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट कहीं भी लगा दो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसको एनालाइज कर लो, तो आंसर आएगा कपल एनीवेयर इन द स्पैन, कपल कहीं भी लगा दो बेंडिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसका ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ो।
सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू कपल एट अ सेक्शन विद इन इट्स स्पैन. सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें कपल है. एक तो ये कपल बहुत तंग करता है. कपल कहीं भी हो. शियर फोर्स डायग्राम हैज जीरो मैग्नेट. नहीं भैया, इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम हम लोग बना चुके हैं और वो रेक्टेंगल बनता है. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सपोर्ट, ठीक है ना. देखो इसमें ऐसे लगेगा एम नॉट बाई एल और इसमें नीचे लगेगा इक्वल एंड अपोजिट, ही तो हुआ ठीक है. फोर्थ इज राइट. सडन चेंज इन द साइन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एट अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कपल. बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाओगे वो सही आएगा. देखो कैसा आएगा, देखो यहां से बनाओगे, पेन चेंज कर देता हूँ, यहां से बनाओगे ऐसा, फिर एकदम नीचे जाएगा ऐसा, सडन चेंज आएगा. ये भी सही है. यूनिफॉर्मली वेयरिंग ट्रायंगुलर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम. यूनिफॉर्मली वेयरिंग ट्रायंगुलर थोड़ी ना है, उस हिसाब से देखो थ्री एंड फोर इज राइट. इसका ट्रायंगुलर का मतलब कुछ अलग है तो ये भी ट्रायंगुलर. इसके ट्रायंगुलर का मतलब है पूरे पे ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल या ऐसा ट्रायंगल है ना, वो नहीं है. दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना. यूनिफॉर्मली वेयरिंग ट्रायंगल का है, दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं अगले अलग हिस्से में. सो सी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें पता लगेगी. ए से लेके सी पोर्शन तक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम 1 डिग्री का है तो एसएफडी 0 होगा और कांस्टेंट होगा ना, मतलब 0 डिग्री मतलब रेक्टेंगल टाइप का होगा. अच्छा, ए से सी में स्लोप है पॉजिटिव तो ए से सी में पॉजिटिव होना चाहिए, देखो है, और सी से ई तक निगेटिव होना चाहिए. अब ध्यान से देख लो, शियर फोर्स कॉन्स्टेंट होगा. अब देखो इसमें लगातार वेरी कर रहा है, सी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया है ना. अच्छा, और दूसरा कैसे, एसी पोर्शन में शियर फोर्स पॉजिटिव होगा और सीई पोर्शन में शियर फोर्स नेगेटिव होगा. अच्छा, अब इसमें देखो पूरे में ही नेगेटिव दिया है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर मान लो कोई कोई ये भी कह सकता है डाउनवर्ड पॉजिटिव, मान लो तो सारे में पॉजिटिव है. कुल मिला के शियर फोर्स साइन चेंज करेगा जो कि इसमें साइन चेंज नहीं हो रहा है. तो ये भी काम खत्म हो गया, ये भी काम खत्म हो गया. ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट दिखा रहा है. इसमें तो आधे पार्ट में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव, तो आधे में देखो पॉजिटिव है आधे में नेगेटिव, एक ही ऑप्शन बचा ना. तो अगर आप इसके बेसिक फीचर्स जानते हो ना सब डी बी एम डी के, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना. आई होप ये जो है अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम ए बी सी डी. बीम ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीजें सही है, ठीक है. बीम ए बी सी डी इज अ ओवर हैंगिंग बीम हैविंग सपोर्ट एट ए एंड डी. ये तो ठीक लग रहा है. देखो यहाँ पे सडन अप आया है और यहाँ पे डी पे भी सडन अप आया, तो रिएक्शन हो सकता है. दिस हम ये मानते हैं कि सही हो सकता है, ठीक है ना. चलो, बीम कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 20 kN एट सी. ना ये गलत है. सी पे अगर 20 kN का पॉइंट लोड होता तो सडन राइज और सडन फॉल होता, ठीक है ना. ये गलत है. और दो को एलिमिनेट कर दोगे तो 135 ही आंसर दिख रहा है. देखते हैं, चेक करते हैं क्या बोलते हैं. बीम कैरीज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 10 kN एट एंड बी. ये सही है. देखो एसएफडी है ना, एकदम नीचे आया है. ये सही है. देखो ये बात सही है एकदम. थ्री राइट. बीम इज इन ओवरहैंगिंग बीम हैविंग सपोर्ट एट सी एंड डी. कह रहा सपोर्ट सी और डी पे. ये भी गलत है, क्योंकि अगर सपोर्ट होता सपोर्ट रिएक्शन आता तो उससे एसएफडी अप एंड डाउन मूव करता. जैसे यहाँ पे सपोर्ट है तो एकदम देखो राइज किया है, यहाँ पे सपोर्ट है तो एकदम राइज किया, सडन अप एंड राइज है. तो ये सी और डी पे सपोर्ट वाला काम गलत है. द बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड ऑफ 20 kN ओवर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एसी. हाँ ठीक है. देखो 3.5 किलोमीटर, 3.5, पहली बात तो लीनियर है तो इससे यूडीएल है. अब इंटेंसिटी भी दिया तो वो कैसे चेक करेंगे. देखो 50 था और 20 हो गया, तो 50 प्लस 50 था और अभी कितना है,
माइनस 20, तो चेंज कितने का हुआ 70 किलो न्यूटन का। तो इतने एरिया में टोटल लोड कितना होना चाहिए 70। तो मान लो इंटेंसिटी है क्यू इंटू एक्स, एक्स कितना है 3.5, नेक्स्ट तो 135 इज राइट ना। शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ सिंगल ओवरहैंगिंग बीम एज शोन इन द फिगर। सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, वन सिंपल सपोर्ट इज एट ए, ठीक है, ए पे एक सपोर्ट है, टोटल डाउनवर्ड कितना लोड होगा, देखो डाउनवर्ड कैसे पता चलेगा, एक यहां पे देखो डाउनवर्ड है 350 से 50 माइनस 50 आ गया, चेंज कितने का हुआ है 400 न्यूटन का, तो एक डाउनवर्ड लोड ये है, ठीक। अब यहां आओ, यहां तक आके कांस्टेंट है, यहां कोई लोड नहीं, फिर नीचे गया है, ये कितना नीचे गया है माइनस 50 से माइनस 350, 300 का चेंज हुआ ना, प्लस 300 न्यूटन का यहां पे है। अच्छा ये तो डी चलो रिएक्शन ही रहा, अपवर्ड गया है ना, तो यहाँ सपोर्ट रिएक्शन ही रहा होगा, फिर ये 100 न्यूटन नीचे आए तो ये 100 न्यूटन, तो 400 यहाँ पर और यहाँ पे आपका 300 और यहाँ पे 100, टोटल कितना फोर्स लगा होगा 800 न्यूटन का। सो राइट आंसर इज ए।